नून हॉस्पिटल की 14वीं सालगिरह पर बधाई। अभी सुबह सवेरे सैर से लौटते वक्त बड़ौदा बैंक के सामने भीड़ जमा देखी। मालूमात की तो पता चला कि नून हॉस्पिटल की स्थापना की 14 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में वॉक फॉर हेल्थ रैली का आयोजन रखा गया है। दरअसल सर जी के नून साहब जैसे मानवता के मसीहा ने नून हॉस्पिटल के रूप में जो नन्हा सा पौधा रोपा था, वह आज छायादार दरख्त बन चुका है, जिसके साए में दुख तकलीफों की कड़ी, धूप में तपते सैकड़ों हजारों लोगों को राहत की ठंडी छांव मुहैया होती है। नून हॉस्पिटल की 14वीं सालगिरह पर आज वॉक फॉर हेल्थ जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। पिछले 14 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में समर्पित नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भवानी मंडी में आज 14वीं सालगिरह पर वॉक फॉर हेल्थ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो आज सुबह 6 बजे नून कॉम्प्लेक्स बैंक ऑफ बड़ौदा के यहां से शुरू होकर नून हॉस्पिटल तक जारी रही, जिसमें हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं स्टाफ ने भाग लिया। हॉस्पिटल की मैनेजिंग ट्रस्टी जीनत नून हरनाल ने फोन द्वारा सभी स्टाफ को इस मौके पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने कहा कि विगत 14 वर्षों से हमने कई चुनौतियों का डटकर सामना किया एवं उन चुनौतियों से उभरते हुए हम आगे बढ़े हैं। आगे भी आप सभी इसी प्रकार अच्छा काम करते रहें, आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। इस मौके पर अतिथि में नगर कांग्रेस अध्यक्ष कारूलाल सालेचा, राजेश करावन, बालू सिंह जी, एडवोकेट विधान चंद, भारत विकास परिषद एवं दुर्गा शंकर यादव भी साथ थे। इस वॉक फॉर हेल्थ जागरूकता रैली में हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एचएस विश्नोई, जिनकी उम्र 78 वर्ष है, वो भी इस 7 किलोमीटर लंबी रैली में पैदल चले एवं हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी फिटनेस के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि समय पर भोजन एवं कसरत व व्यायाम को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें तो आप हमेशा फिट रह सकते हैं। साथ ही वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल चेतन शारदा ने कहा, लोग अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन चलना शामिल करें, क्योंकि कोरोना के बाद अधिकतर मरीजों में पाया जा रहा है कि लोगों को फेफड़ों से संबंधित ज्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए सुबह के समय चलने से अपने शरीर एवं फेफड़ों को मजबूत बनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य आम जन को जागरूक करना था कि नियमित पैदल चलना एवं व्यायाम हमारे शरीर एवं हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत एवं सुदृढ़ करता है। इस प्रक्रिया से अपने शरीर को विभिन्न बीमारियों से दूर रख सकते हैं। नून हॉस्पिटल आमजन से निवेदन करता है कि आप सभी पैदल चलना, दौड़ना और कसरत को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनाएं, जिससे कि बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, अपने परिवार व समाज को स्वस्थ रखने में अपना योगदान प्रदान करें। साथ ही इस मौके पर हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी ने आए हुए सभी अतिथियों, डॉक्टर्स एवं स्टाफ को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद एवं बधाई दी एवं उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि नून हॉस्पिटल अब अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं एवं रोजगार के साथ साथ बहुत जल्द स्वास्थ्य के क्षेत्र में एजुकेशन सेंटर खोलने जा रहा है, जिसमें क्षेत्र व आसपास के बच्चे पढ़कर स्वास्थ्य क्षेत्र का विभिन्न अंग बनकर स्वास्थ्य प्रक्रिया बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को विभिन्न स्तर में योग्य एवं निपुण कर्मियों का अभाव बहुत ही ज्यादा है। नून हॉस्पिटल के लेटेस्ट एवं एडवांस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेटअप, अत्यधिक अनुभवी और कुशल सीनियर कंसल्टेंट एवं सभी विभागों के नर्सिंग, पैरामेडिकल, क्लिनिकल एवं नॉन क्लिनिकल सपोर्ट स्टाफ एवं उच्च विशेषज्ञ और व्यवहारिक पाठ्यक्रम संरचना उपरोक्त मुद्दे को कुशलता से संबोधित कर सकती है। यह जानकारी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। क्षेत्र का गौरव और आत्मविश्वास आपके स्वास्थ्य के लिए संकल्प, आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए 14वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्क फॉर हेल्थ नून हॉस्पिटल भवानी मंडी आप सभी के उज्जवल जीवन की कामना के साथ ही
आपसे निवेदन करता है कि पैदल चलना और व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आइए आपके पैदल चलिए, व्यायाम कीजिए। ये संदेश है, ये निवेदन है न्यू हॉस्पिटल भवानी मंडी के इस आयोजन में आप सभी देवी और सज्जनों का स्वागत है। तो चले आइए, इसलिए आपका स्वस्थ रहना आवश्यक है। यही कामना, यही संदेश न्यू हॉस्पिटल भवानी मंडी की 14वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। जय हिंद, जय भारत। दूर से पैदल चलते आ रहे इस एज में भी आपका जो स्टेमिना एंड हेल्थ है उसका फॉर्मूला सबसे एक बार शेयर कीजिए सर। आपका हेल्थ का फॉर्मूला मैं तो कोई ज़्यादा नहीं, अपने खान पान पर ध्यान रखने का ज़्यादा है। एक्सरसाइज जो है वो मैं घर ही करता हूँ, बाकी रोटी के बाद ज़्यादा मैं करता हूँ। लेकिन खाने का जो वॉक फॉर हेल्थ है उसने एक अवेयरनेस प्रोग्राम देते हुए सबको एक गाइडलाइन दी है कि किस तरह से हेल्थ जरूरी है। सभी इम्प्लॉयज को हेल्थ अगर है तभी वो एक अच्छा वर्क दे पाएगा इंस्टीट्यूट को। और आप लोगों से सभी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरह से हॉस्पिटल की सेवाओं में और इसको आगे बढ़ाने में जुटे रहें। थैंक यू बधाई और वर्क फॉर हेल्थ में आने के लिए धन्यवाद। राजे जी रावण दुर्गा जी ठेकेदार एवं सभी गणमान्य नागरिक, हर्ष का विषय है नू हॉस्पिटल ने हमारे क्षेत्र में एक नाम कमाया है और आगे भी हम नू हॉस्पिटल से ही आशा रखते हैं। उसी सेवा के अनुरूप आप लोग कार्य कर रहे हो। अभी कोविड-2 में जिस ढंग से आप लोगों ने इस शहर की सेवा की, इस शहर के मरीजों की और इस इलाके के मरीजों की सेवा की वो काफ़ी तारीफ है। और आप सभी एक समर्पित भावना से काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भावनाओं से इसको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। साथियों एक बात और ये कहूँगा कि मैंने भी ये हॉस्पिटल बनाया 14 साल है, लेकिन मैं उससे भी 10 साल पहले से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरे को भी आज करीब 25 साल नून हॉस्पिटल से जुड़े हुए होंगे। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हॉस्पिटल का उद्घाटन जैसा 2008 में हुआ, आठ का मतलब होता है ठाठ, खूब बढ़िया सनी अस्पताल। ये मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि इस नून परिवार से जिस दिन से आप जुड़े आपने इस संस्था को परिवार माना। सभी सब करते हैं, आर्थिक दृष्टि से काम करते हैं सब है, पर उसके ऊपर उठकर भी मरीजों की सेवा करना